ध्यान से इधर दे। अगर क्वेश्चन आपको आता है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर 3 मार्क्स, तो इंडिविजुअल के 5 choices हैं, उनमें से आप कोई भी 3 दे दीजिए। नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, फिर आपके पास ये 8 की चॉइस है, 8 में से है ना, सो उनमें से आप लिखेंगे, करेक्ट। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग, नहीं तो बंदा कहे हमने फिर मार्केट के करने ही क्यों है, ये यही तो है, ये तो दोनों में लग जाएंगे, दे आर वेरी स्मार्ट। यहाँ क्या आना था, राइट। अब वो कहेंगे एक्सप्लेन, सुनो ध्यान से क्या नाम है लक्ष्य, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड अदर देन इंडिविजुअल डिमांड। तो पता चल गया क्या लिख रहे हैं, फिर तो यही बचते, नहीं लिखा कुछ भी, बोला एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, फिर तो 8 के ऑप्शन है, दे दीजिए। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी उनकी, सेम एवरीथिंग इज सेम, इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ मार्केट, इसलिए इंडिविजुअल जो इफेक्ट होगा वो मार्केट में ऑटोमेटिकली होगा, बट दीज आर एक्सक्लूसिवली दोज विच आर अफेक्टिंग ओनली मार्केट डिमांड, ये हम इंडिविजुअल को नहीं करते। एम आई क्लियर, ओके, मेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, अब ये जो लॉ है ध्यान से इसको समझते हैं, आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इफ यू वॉन्टेड टू चेक, इधर देखिए, if you wanted to check the behavior of only price, if you are checking the behavior of only price, you are talking about keeping the other factors law deals with the behavior of change in demand due to only price of its own, कहने का मतलब statement सुनिए इसमें क्या है, the statement says there is a negative relation between price of one commodity and the demand of the same. Price and demand has a negative relation, keeping other factors constant. अगर ये बाकी सारे factors कुछ role play ना करें, फिर हम देखेंगे कि अपने price के साथ इसका relation कैसा होगा, negative ही होगा। Am I clear? वो जो keeping other factors constant है, उसे कैसे था? हमने लिखा था word ceteris, इसका मतलब होता है keeping अदर फैक्टर्स, परिवर्स का मतलब होता है, पहले तो आप इसको यही लिख लो लॉ डिमांड के आंसर में, पहले ये लिख लीजिए आपको याद रहेगा, सेक्टर्स एस्केपिंग अदर फैक्टर्स, 3 to 4 मार्क्स का आंसर लिखेंगे, उससे पहले आप इसे बस लिख लीजिए उसी के नीचे रेफरेंस के, सेक्टर्स कीपिंग अदर फैक्टर्स परिवर्स कॉन्स्टेंट, this answer is very easy to remember, likh liya, it states that law ki statement likh rahe hain, it states that there is an inverse relationship, it states that there is an inverse relation between kya, price and demand, demand and price, price and demand, between price and demand, keeping other factors constant, कॉमा डाल के keeping other factors constant, इसे अंडरलाइन भी कर दीजिए, यू आर सपोज टू राइट दिस वर्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स, क्योंकि इसी की वजह से पता चल रहा है कि प्राइस हैज अ नेगेटिव रिलेशन, लाइन चेंज करो, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, this law is also known as first law of purchase, also known as first law of purchase, हर लॉ के साथ क्या है, assumptions,
इसके नाम को याद कैसे रखना है, अदर नेम को. फर्स्ट लॉ ऑफ क्या लिखा, परचेज का पहला नियम, यही कहना चाहता है. परचेज किस बेस पर होती है, बाय लुकिंग एट प्राइस. अगर शॉप पे पहुंचे, उन्होंने कहा हाई प्राइस में, हम 2000 लेकर गए, हमें सोचा लगा दो जीन्स आ जाएंगी या दो टी शर्ट्स आएंगी, हम वहां पहुंचे वो कहते जी 2000 में वन है. सो यू विल बाय ओनली वन. हाउ हैव यू डिसाइडेड, बाय लुकिंग एट प्राइस. इट मींस दिस लॉ को बोला फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज. परचेज करते हुए आप पहली चीज क्या देखते हैं, प्राइस. याद रहेगा हिंट, राइट. अब अजम्पशंस क्या है, ध्यान दो, अभी याद करनी है. एजम्पशन मतलब उन्होंने हमें क्या अज्यूम करने के लिए बोला था, दैट सिंपल. नंबर वन एजम्पशन, व्हाट नीड्स टू बी कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अच्छा, फिर अगला क्या बनना चाहिए, नो चेंज इन इनकम. इनकम ऑफ होम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फिर आगे, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. थर्ड लास्ट, एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस. अगर ये सब कुछ कुछ चेंज ना हो, फिर आप देखोगे कि प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर हुआ? ओके, एक और बात, अपना आंसर ये पूरा खुद ही लिखेंगे आप अभी. इसके बाद ये जब हो जाएंगे सारे, इसके बाद अब आप स्केड्यूल और डायग्राम भी बनाना बनता है. सो हमें तो सिर्फ एक ही बना के दिखाना है. सो व्हाट विल यू आर बी गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक प्राइस डिमांड. क्या बनाया था याद है स्केड्यूल, इंडिविजुअल वाला. यस, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. सो डिफिकल्ट. राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या लिया था, बाय बाय प्राइस, और एक्स पर डिमांड. ये भी बड़ा मुश्किल था. यस, डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम. ओके, इसमें कुछ रेफरेंस दिखा देते हैं. इफ आई से 3 पर 3, सो व्हाट डज दिस शो, 4 पर 2, कोई 4 पे 2 है, 3 के बच्चे, 2 पर 4, बस बना दीजिए. फिर नीचे क्या लिखेंगे इसके, एज शोन इन द अबव डायग्राम, डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. नेगेटिव स्लोप कर्व. अब आंसर पूरा कीजिए ऑन योर फोन. पहले अजम्पशंस लिखेंगे 4, सेंटेंसेस में लिखेंगे, नो हिंट्स, आई विल चेक ऑल द आंसर्स, देन स्केड्यूल डायग्राम एज शोन इन द अबव डायग्राम. लिखिए, शाबाश, वेरी गुड. आज इतना ही होगा, रीजंस वी विल डू इट टुमारो.